Hello everyone, and it is time to do some destruction! Finish him! Look into my eyes and stare into you with a fraction. The pleasure of which is just a quality. It's not fit to watch you go around the time. ओके अब सही साथ लग रहा है थोड़ा, है ना। एंड एनीवेज आप लोगों को वापस स्वागत है रेंज सिमुलेटर में। अपन ने थोड़ी तबाही मचा दी और अब मुझे यहाँ पर एक घर बनाना है प्यारा सा। मैं सोच रहा हूँ ना आप कोई ऐसा ढंग का घर बनाते जो दिखने में भी अच्छा हो और थोड़ा ढंग का हो। तो मेरे को ये वाला सही लग रहा है थोड़ा, है फैमिली टाइप लग रहा है थोड़ा। ये बनाते हैं, रुको, हाँ ये बनाते हैं। बूम। वैसे इसके लिए सामान भी तो लाना पड़ेगा मुझे, कितना सारा। अरे कलर यहाँ पर ही पड़े हुए हैं। सही है भाई। तो इसके लिए चाहिए क्या मुझे? कॉन्क्रीट चाहिए है, मेटल्स चाहिए है। ये कहाँ से लाऊंगा मैं? व्हाट द हेल, ये सब चीज़ें मैं कहाँ से लाऊंगा है भाई? चलो कोई नहीं, देखेगा जो भी होगा। पर उससे पहले अपन यहाँ की चीज़ें और थोड़ी साफ़ करनी, वो सब चीज़ें साफ़ कर लेते हैं। सब हटाओ ये कचरा सा, ये सब चीज़ें चाहिए ही नहीं, हटाओ इन सबको। गंदीवाड़ा, यहाँ पर अच्छा मैदान सा हो जाएगा ना, फिर मैं अपना वो बनाऊंगा मुर्गियों के लिए और पिग्स के लिए, उन सब के लिए घर। इतना बड़ा तोमड़े जैसा क्या, हटाओ उसको भी। 28 वुडन प्लैंक चाहिए, कॉन्क्रीट चाहिए। कॉन्क्रीट वॉन्क्रीट का तो नहीं पता, मैं बस वुडन प्लैंक्स है अभी फिलहाल के लिए, तो वो है वो इसी से बना लेते हैं। बाकी मेरी मुर्गियाँ कुछ काम वाम कर रही है, मेरे को कुछ अंडा दे रही है। और हाँ बाय द वे, मैं एक चीज़ और लाया था, एक मुर्गा उठा के ले आया। मेरे को लगा कि इनसे कोई ब्रीडिंग होगी और कुछ होगा, कुछ नहीं हो रहा। पर हाँ अंडे इकट्ठे हो गए काफ़ी सारे। मैंने लकड़ियाँ भी थोड़ी सी जमा की है जो कि तुम लोग देख सकते हो, काफ़ी सारी है। पर बस उनको लेके जाने में मेरे को आलसीपनती होगी, तो मैं अपनी गाड़ी में डाल दूंगा इसको। आई होप इतने से काम हो जाएगा। इंसर्ट कैसे करूँ मैं? अच्छा ऐसे, बूम बूम बूम। और चाहिए मुझे, बनाओ ये सब बनाओ, सारी रूफ टॉप बनाए के। मैंने अपने फट्टे नीचे गिरा दिए, नहीं मैं इसको उठा ही नहीं पा रहा। क्यों भाई, क्या बकवास है ये? फट्टे नीचे गिर गए मेरे, उठा नहीं पा रहा मैं इनको। अब उस फट्टों का वेस्ट हो गया, पता है वो फट्टे सारे वेस्ट हो गए, अब उनको उठा ही नहीं पा रहा मैं। ये लेके जाने पड़ेंगे अब यहाँ से। लकड़ियों का तो सारा काम हो गया मेरा लगभग, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। अभी कॉन्क्रीट और मेटल का मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो उसका देखते हैं। पर उससे पहले एक काम करेंगे ना, कि जो मुर्गियों से जो अंडे मिले ना, वो थोड़े बहुत बेच करके आ जाओ, फिर वहाँ पर ही वर्क मतलब वो हार्डवेयर वाली दुकान पर जा करके देख के आते हैं सामान क्या क्या मिल सकता है। ये फट्टे फुट्टे भी ले के जाता हूँ ना, थोड़ा बहुत इनको भी बेच ही आऊँगा, थोड़ा पैसा और मिल जाएगा। ये तो वैसे भी बहुत सारे अपन इकट्ठे कर करके इनको बेच सकते हैं। 3 स्टैक ले जा रहा हूँ और बाकी तो मेरे को चाहिए। लेट्स गो। पहले जनरल स्टोर चल लेते हैं, वहाँ पर ये अंडे बेचाता हूँ, उसके बाद हार्डवेयर वाली शॉप पे चलते हैं। और डियर है, रुको मेरे को उसको मारना है। सॉरी डियर, किधर डियर, भाग गए डियर। इससे मुझे मीट मिलता है ना, नाइस। इसको बाद में ले लूँगा क्योंकि मेरी गाड़ी में जगह नहीं है। मेरे तरफ ऐसे मत देखो, मैंने सिर्फ गेम का पार्ट है, ठीक है ना। इन्हीं को बेच बेच करके मुझे अपनी ज़िंदगी रोटी चलानी पड़ेगी, नहीं तो फिर भाई काम कैसे चलेगा, हैं सर्वाइवल है ये भी एक तरीके से, मान के चलो। ऑलराइट, हेलो मैडम जी, ये सारी अंडे ले लो आप। ओ वुडन प्लैक्स भी यहाँ पर बेच सकता ना मुझे, तो कितना मिलेगा सेल करूँगा तो? अच्छा इतना ही मिलेगा, मतलब काफ़ी कम ही है, ठीक है पर जो भी है चलो नॉट बैड। पूरा मामला खाली हो गया। अब अपन जाएंगे हार्डवेयर शॉप पे थोड़ा सामान लेने, कॉन्क्रीट वॉन्क्रीट आई डोंट नो, पता नहीं वहाँ पर मिलता है कि भी नहीं मिलता है। इतनी प्यारी गाड़ी कैसे दे देते हो तुम लोग मुझे? कहाँ पहाड़ों पे चला रहा हूँ मैं, क्या घटिया सी जगह पे आ गया मैं, क्यों आ गया मैं इधर, क्या हो रहा है ये, मैं जिंदा कैसे हूँ अभी तक, मैं दो पेड़ों के बीच में फंस गया। अगर हार्डवेयर वाली जगह पे तो आ गए अपन यार। ये गाड़ी
हट यहाँ से, इसको सीधी करते रहो, उल्टी करते रहो, बस ये जादूपंथी होती रहेगी। कौन सी कार है भाई मेरी, है उड़नदस्तरी। एनीवेज अपन हार्डवेयर वाली शॉप पे तो आई गए। मेटल प्लेट्स, ये तो काफ़ी महंगे नहीं है, $100 का। मेरे पास कितना है, मेरे पास तो है चलो अच्छा खासा बैलेंस है, ले सकता हूँ। कॉन्क्रीट चाहिए मुझे, एक कॉन्क्रीट ले लेते हैं ठीक है ना, और एक ये ले लेते हैं। आई थिंक हाँ इतना काफ़ी है अभी फ़िलहाल के लिए। आई थिंक इससे घर बन जाना चाहिए, अगर बन जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा तो थोड़ा सा मेटल और ले लेते साथ में, क्या पता बाद में ज़रूरत पड़े। असली गरीबी पंथी अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। $102 हो गए गरीब अपन। पता नहीं इस पर आएगा कि नहीं आएगा, आई थिंक नहीं आएगा। ये मोटी सांड जैसी बोरी क्या करूँ मैं, रखने के लिए जगह ही नहीं है। पहले प्लेट्स को रख देते, मेटल प्लेट्स को, उसके बाद देखेंगे इसको कहाँ रख सकते हैं, तो मेरे को ऑफिस से ले करके आना पड़ेगा इसको। ओके एडजस्ट कर लिया अपन ने, लेट्स गो। अब जाकर इतना सामान से मेरा घर बन जाता है ना तो काफ़ी अच्छी बात है। देखो अभी मेरे दिमाग में पैसे कमाने का तो कुछ नहीं सूझ रहा है, पहले तो मैं अपना घर बना लूँ थोड़ा बहुत, उसके बाद देखेंगे पैसे वैसे का क्या करना है। तो पहले है ना थोड़ा घर की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि मैं कब से टेंट में सो रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मुझे अच्छा प्यारा घर चाहिए। फटे टेंट में रोज के रोज कौन सोए। और मेरी गाड़ी भाई क्या हो रहा है, 30 मेटल प्लेट चाहिए थी और 155 कॉन्क्रीट चाहिए था। नहीं होगा भाई, नहीं होगा। ई टू इंसर्ट, अरे मेटल्स तो हो गया, यस मेटल हो गया, मेटल हो गया, अबे हो गया ना पक्का मेटल। हाँ भाई दिख रहा है मेटल, कॉन्क्रीट का देखते हैं अगर कॉन्क्रीट प्रॉपरली हो जाता है तो। ये हो गया अपना कॉन्क्रीट, 50 ही हुआ है भाई, मेरे को और लेके आ जाना था। ये अंडे ले लेते हैं, मैं टोकरी भूल गया इसलिए ऐसे डाल रहा हूँ अभी, और इनको जो बेच बुझा करके जो आता है ना उन्हीं से काम चला लेंगे। और ये क्या किया इन्होंने, ब्राउन अंडे दिए। अबे पोटी छिछी की इन्होंने, हटो भैंस की, गोबरपंथी फैलाई है इन लोगों ने। मेरे को लगा कि ब्राउन अंडे दिए भाई, ब्राउन मुर्गी डाली है तो मुर्गे कैसे अंडे देंगे, वो दहल क्या बात कर रहे थे। ये प्लैंक्स पड़े वो भी साथ में लेके ही चला जाता हूँ, थोड़ा बहुत ये भी बेच ही आऊँगा, क्या पता कुछ अच्छी कीमत मिल जाए इसकी। ओ ये मेरे को याद आया अच्छे से, अच्छा हुआ याद आ गया, मैंने यहाँ पर डियर मार रही थी ना थोड़ी देर पहले, इसका भी मीट लेके चले जाते हैं। आ जाओ भाई, मेरे को तो ये बात समझ भी नहीं आती ये चीज़ें इस पर स्टेबल कैसे रहती हैं। पट्टी अट्टी मारता है तू, मेरा कैरेक्टर कुछ पट्टी अट्टी मारता है उसके बाद ये स्टेबल हो जाती है। सब चीज़ बेचने पर भी मुझे $67 ही मिल रहा है। एनीवेज एक सेकंड, अगर मैं ग्रोसरी पे बेचूं और इधर बेचूं तो दोनों का अलग अलग अमाउंट होता है क्या, रुक जाओ मेरे को चेक करना है। ओके हो गया, अच्छा रेडियो चालू कर दिया, यस गाड़ी चालू नहीं हो रही पर दम निकल जाएगा इसका, इंजन बाहर आ जाएगा से बता रहा हूँ, ये पहाड़ियों पे नहीं चला पाऊंगा मैं इसको, काला धुआं सभी निकलने लग गया है। और ये क्या हो रहा है, एनीवेज शॉर्टकट कभी कभार काम आ जाते हैं, अरे टिंडा काम आते हैं, आप फंस गया मैं, कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, लेट्स गो जो होगा देखा जाएगा। ठोक दे भैंस की, वैसे भी इनविंसिबल ये गाड़ी, बस ये यार ये इतना परेशान करती ना मुझे ये गाड़ी, क्या बताऊँ मैं, क्यों है गाड़ी बकवासी। ये देखो ये देखो, अलग ही नशे इसके, कहाँ विली करके जा रही इधर आ, क्या करूँ मैं, गाने भी बजा दिए मैंने, क्या हो रहा है ये, क्या हो भाई ऐसे ही ठीक है, मैं ऐसे बेच दूंगा जो होगा वो, सेम ही है, फालतू आया मैं। मुर्गों को थोड़ा खाना भी दे देता, उनका खाना भी ख़त्म हो गया, मरम्मत जाना भाई। ओ हेलो, तुम मेहनत से लाया हूँ मैं, अब पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा मुझको थोड़ा सा सीमेंट खरीदने के लिए, तो ये वुडन प्लैंक्स को बेच बेच करके करना पड़ेगा मुझे, काम चलाओ काम है बस और क्या, मेहनत वाले काम करने पड़ रहे हैं मुझे। ओ क्या दिल से बने अभी, यहाँ पर कुछ तो हुआ, बेबी बेबी हो रहे क्या इनके, ओ हेलो क्या चल रहा है भाई, ओ सॉरी भाई कुछ तो हुआ था इधर, मैंने इंटरप्ट कर दिया लगे, भाई तुम कर सकते हो भाई, चिकन ची मुझे, अच्छा अंडे दिए है, अंडे तो दिए है, शायद ये वो वाले अंडे हो गए जिसमें बच्चे निकलते हो गए, पता नहीं भाई, वैसे सारे अंडे में निकलने चाहिए, एटलीस्ट मुझे इतने तो चॉप करने पड़ेंगे, वुडन प्लैंक्स बनाने पड़ेंगे तभी जाके मेरे को इतना पैसा मिलेगा, ये तो बहुत कम पैसा मिल रहा है इन वुडन प्लैंक्स से भी। अभी मेरे पास यही सोर्स है कि मैं इन वुडन प्लैंक्स को काट काट करके बेच करके थोड़ा सीमेंट लूँ और अपना घर बनाऊँ, क्योंकि अभी सिर्फ है ना आउटर लेयर ही कम्प्लीट नहीं हुई है, अंदर का गेट एट दरवाजे वॉल्स वो सब बाकी है, उनके लिए भी मेरे को काफ़ी सामान चाहिए पड़ेगा।
उठाते चलो। हे स्नोफॉल हो रही ना, मैंने अभी नोटिस किया कितना, अरे सही बनाया है, क्योंकि वेदर में भी काफ़ी सारे चेंजेस है। थोड़े टाइम पहले यहाँ पर वो भी आया था थंडरस्टॉर्म, स्नो, अगर तो यार कितना सही होगा ना, यहाँ पर स्नो स्नो हो जाएगा पूरा, स्नोमैन बनाएगा फिर। मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, पता नहीं बनेगा क्या भी नहीं बनेगा, दे दे फेंके जा रहा हूँ मैं भी। पर हाँ, अगर पूरा ऐसा बर्फ़ से ढक जाए ना एरिया, तो काफ़ी अलग ही लगेगा ये। आई थिंक इतने से मुझे इतना पैसा तो मिल जाएगा कि मैं अच्छा खासा कॉन्क्रीट ले लूँ। काफ़ी सारे स्टैक्स बना लिए मैंने। वेट अ मिनट, सॉरी डियर, यू आर डेड। थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए ब्यूटीफुल मीट। तो मैं इसको रखूँगा कहाँ वो मुझे नहीं पता, इसके ऊपर आ जाएगा। यार नीचे बाजू में रख ले, अरे भाई, अरे इस पे आ जाएगा क्या? हाँ तो जाना चाहिए, जगह तो है। अबे ठूस दो ना कहीं कोने में, इतनी सारी जगह पड़ी है। एक सेकंड, यहाँ पर आ सकता है ना? अबे यहाँ पर नहीं आ सकता, क्यों भाई? भाई हम लोगों से सीखो भाई, ये फॉरेन में रह रहे के इन लोगों को भाई आता नहीं है। हाँ भाई, हम तो यहाँ पर इतनी जगह होती है, आराम से रख लेते हैं। एनी वेज बाद में ले लेंगे इसको कभी। दो सीमेंट की बोरियां लाऊं, इससे तो काम हो ही जाना चाहिए। मेरे को लगता एक ही लगेगा। ओके हो गया, यस प्लेटफॉर्म तो तैयार हो गया अपना। बाकी जो माल मसाला पड़ा हुआ उनको यहाँ ही रख दूंगा मैं भी। व्हाट, ये क्या हुआ, जादू? एक सेकेंड, अभी तो ओके ऑल राइट, ये वेलकम टू माई न्यू हाउस। यस, तो चलो अपना घर तो तैयार हो गया, इसी बात पे घर का टूर करते हैं। ये घोड़े की तस्वीरें, जो कि प्यारे प्यारे से घोड़े हैं यहाँ पर। मेरे पास नहीं एक भी घोड़ा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अपन ले ही लेंगे ये दो बेट, एक मेरे लिए और एक है किसी के लिए। और यहाँ पर क्या क्या है, और यहाँ पर सोफे, कुशंस हैं, सब चीज़ें, टेबल। भाई मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर ये सब चीज़ें भी होगी, स्टडी टेबल। और मेरे रिफ्लेक्शन ऐसे अजीबोगरीब से क्यों आ रही है, एलियन हूँ क्या मैं? एलियन लग रहा हूँ मैं? एक प्यारा सा पौधा भी है यहाँ पर, मेरा क्लोजेट है। अच्छा, जूते होते रखने के लिए। और ये टीवी वाला एरिया है जहाँ पर टीवी, ओ किसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है बाय द वे, बैठ के देखते थोड़ा। चाय कॉफ़ी कहाँ मेरी? रियल इस्टेट, यहाँ पर रेडियो भी है क्या? अरे भाई हर जगह रेडियो आ ही जाते हैं, क्या है रेडियो में? ठीक है, बकवास ही है। तो ये है मेरा हाउस टूर, बड़ा प्यारा सा हाउस बनाया मैंने, छोटा जितना मेरी कैपेसिटी में था। ये देख रहे हो सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई, इनको भी काटना है मुझे मशीन में डाल करके। इसमें देखते हैं कि इसमें और क्या क्या अपन बना सकते हैं। ये बना सकते हैं बाद में, मेरे को पता नहीं इनका यूज़ किस लिए आता है, पर हाँ वुड ही चाहिए, ज़्यादा कुछ खास चाहिए नहीं, तो अपन इसको बना सकते हैं। ये वाला बड़ा वाला बनाए क्या अपन? ये बड़ा सारा, तो कोई अच्छी जगह देखते हैं जिसमें अपन ये बना सके। हटाओ उसको, कैसे हटाते हैं? ये वाला एरिया मुझे थोड़ा सही लग रहा है, यहाँ पर मैं अपना वो कर सकता हूँ। ये वैसे काय के लिए होता है मेरे को तो पता भी नहीं, पर ये बना देते हैं, बनाने का मन कर रहा था। अरे हाँ, ये मुर्गियों के लिए पता है, वो घर छोटा पड़ रहा था, मैं सोच रहा हूँ ना चिकन के लिए कोई बड़ा घर बना दूँ। ये वाले इस वाले के छोटे वाले घर से काम चल नहीं रहा है उनका, मुर्गियों का हाउस ये हो जाएगा। ये पता नहीं कुछ तो बनाया है, पता नहीं जब बनेगा तब देखेंगे। मुर्गियों के लिए हो गया, पिग्स के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद तो गाय भी आ जाएगी, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ का ये पेड़ भी हटा देता हूँ मैं, हटा उसको। मैं सोच रहा हूँ ना गाय, पिग्स और ये चिकन्स का अलग ही रखूँ मैं। मेरा प्लान ये है ना कि अभी ये वाला एरिया साफ कर दूँ, अभी तो नहीं करूँगा, बाद में कर लूँगा ऑफलाइन, पर इस एरिया को साफ करके यहाँ पर मैं पिग्स के लिए बना दूँगा और पिग्स ले आऊँगा एक या दो, पैसे इकट्ठे करके, क्योंकि इनको जब काटूँगा तो इन्हीं से इनको बेच बेच करके मैं थोड़ा पैसा कमा लूँगा। ये इतनी सारी लकड़ियों से काम हो जाना चाहिए आई थिंक, लस्सी बन जाए बस। वैसे चाहिए कितना मैंने देखा नहीं था, 21 चाहिए आई थिंक, हो जाना चाहिए। एंड यस, ये तैयार हो गया, इसको और बड़ा कर सकते हैं ना अपन। ये काय के लिए होता है वैसे, मैंने बना तो दिया, पर ये होता काय के लिए मेरे को वो नहीं पता, अच्छा लगा तो मैंने बना दिया बस। ओके, तो ये सेक्शन वाइज है, तो मैंने अभी तक फ्रंट नहीं बनाया, डायरेक्ट बैक वाला बना दिया। ओके कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके ये मिड में डाल दिया ना, तो फ्रंट वाला अपन आगे की तरफ बना देंगे, मिड वाला जो है उसको यहाँ कहीं जोड़ देंगे। अभी ऐसे कुछ करना है मुझे, कुछ आइडिया नहीं मुझे। अच्छा मैंने बैक वाला बनाया है, ओके ओके ओके, तो फिर तो सही किया है ना,
मेरे पास यहाँ आगे जगह है तो इसी को यहाँ पर आगे प्लेस कर देंगे, क्या दिक्कत है भाई। अच्छा मैं इसको जितना बड़ा करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे करके हैं भाई, ये सही है, इतना लंबा काफ़ी रहेगा, इतना हाँ इतना काफ़ी रहेगा, यहाँ तो मुर्गियों का हो जाएगा। ये वाला हटाना पड़ेगा मुझे पता है, और ये इसका यहाँ पर फ्रंट वाला हो जाएगा, गेट भी लगा देते ये वाला, बस इसको बनाने में मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है, अभी के लिए बहुत है ये आज के लिए। एनीवेज आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही रखते हैं, अपन इसको नेक्स्ट एपिसोड में वापस से कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, काफ़ी सारे पैसे कमाने हैं, दुनिया भर के घोड़े भी लाने हैं, गधे भी लाने हैं, सुअर भी लाने हैं, गाय भी लानी है, सब चीज़ लानी है, उसके लिए अपन को थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर बस आज के लिए इतना ही। एंड अगर आप लोग नए आए हो चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, और मैं मिलता हूँ द रेन सिम्युलेटर के एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।